जिससे कि आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उन्होंने अपने 10th वाले बच्चे को जनरल प्रमोशन देके इंटरनल बेस पे उनके मार्क्स कंडक्ट मतलब मार्क्स काउंट करवा के उनसे जनरल प्रमोशन प्रोवाइड करवा दिया। बट जहाँ तक बात करें हम RBSC की, RBSC ने दोनों के दोनों एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया और फिर इनके ऊपर निर्णय लेने के लिए कहा कि हम बाद में निर्णय लेंगे। और अब जो हमारे शिक्षा मंत्री है माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनका ये बयान सामने आया है कि एग्ज़ाम होंगे जैसे पहले होने वाले थे वैसे ही होंगे और बिल्कुल उसी बेसिस पर होंगे जैसे पहले होने वाले थे, कोई काट छाट नहीं, कुछ नहीं, 10th और 12th सबके एग्ज़ाम होंगे। तो मैं अभी शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जैसे कि पिछले साल तो चलो हम मानते हैं कि आपने एग्ज़ाम ले ली क्योंकि पिछले साल पूरे साल पढ़ाई हुई थी, लास्ट में आके थोड़ा कोरोना का मैटर हो गया था, लेकिन इस साल तो पूरे साल कोरोना का मैटर चला। आप RBSC वालों से पूछो या प्राइवेट स्कूल वालों से पूछो या सरकारी स्कूल वालों से पूछो कि उनकी पूरे साल पढ़ाई हुई है अच्छे से नहीं हुई है, पूरे साल सिर्फ 2 महीने स्कूल खुले हैं सर, अच्छे से सिर्फ 2 महीने स्कूल खुले हैं, इसमें से भी 1 महीने की पढ़ाई नहीं होगी। ऑनलाइन बच्चों को समझ भी नहीं आता, अगर असली स्थिति आपको जाननी है तो सरकारी स्कूल और बच्चों से जानी है कि उनके उनकी पढ़ाई कैसी हुई है। फिर भी कोई बात नहीं, वो सोच रहे चलो कहीं ना कहीं से हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए एग्ज़ाम दे देंगे, बट आपने लास्ट में आके पोस्टपोन कर दी। चलो आपकी भी गलती नहीं, सेकंड वेव आ गई कोरोना की, आपने पोस्टपोन कर दी है और अब आप बोल रहे हो कि जैसे पहले लेने वाले थे वैसे लेंगे, बच्चे पूरे साल वैसे तनाव में रहे कोरोना के कारण पढ़ाई नहीं हो रही, फिर वो एग्जाम के तनाव में आ गए, एग्जाम पोस्टपोन उसके तनाव में आ गए, होंगे नहीं होंगे उसके तनाव में आ गए, और अब आप बोल रहे हो कि जैसे होने थे वैसे होंगे। 12 CBSE वालों ने तो आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी कि हमारे एग्जाम रद्द करो, उसके अंतर्गत से ना किए थे सुप्रीम कोर्ट 3 फैसलों में उसका जवाब देगा कि कहते हैं परीक्षा लेनी लेनी, 1 जून तक कम्युनिटी बनाएगा मिनिस्टर्स की। मैं तो ये कहता हूँ कि CBSE और 12th वालों को भी प्रमोट मत करो, ना 10th RBSE और CBSE RBSE और 12th RBSE वालों को प्रमोट करो। मैं तो ये कहता हूँ कि जनरल प्रमोशन प्रोवाइड कीजिए जिसमें इंटरनली बेसिस पे आप मार्क्स लेके और उनको प्रमोशन दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप सब लोग एक से इकट्ठे करते हैं तो बहुत ही महामारी फैलने का खतरा है, जरूर फैलेगी, क्यों नहीं फैलेगी, थर्ड वेव आने वाली है, बच्चों में फैल रही, क्यों नहीं फैलेगी सर, बिल्कुल फैलेगी। एक जने को होता है उससे एक चैन बिल्ड होती है, एक बच्चे को भी हो गया तो आप नहीं जानते कितना नुकसान भरना पड़ेगा, क्या नुकसान की भरपाई आप करेंगे सर? मेरे को इतना था कि उस नुकसान की भरपाई आप करेंगे, नहीं करेंगे ना सर, वो तो आपके लिए तो वो एक आंकड़ा है बट माँ बाप के लिए तो बच्चे उनके सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं उनकी जगह पे। तो सर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं, आप जनरल प्रमोशन प्रोवाइड करके सब बच्चों को पास की चाहे 10th और 12th, और आप कह रहे हैं कि ऐसे फिर आगे वाले आने वाले एग्जाम्स के अंदर कॉलेज उनके अंदर क्या मान लीजिए कोई डफर बच्चा है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा आराम से, तो सर कौन बोल रहा है एडमिशन दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम करवाई ना कॉलेज की तरफ से, कॉलेज में एंट्री करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाई है कि एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर उनको अंदर लिया जाए। चलो उसमें भी आपको लग रहा है कि कहते हैं महामारी फैलने का डर है, ऑनलाइन लीजिए, ऑनलाइन में डर लग रहा है तो इंटरव्यू के बेसिस पर आप उनको एडमिशन दीजिए। आपको क्या लग रहा है सर, ये मजाक लग रहा है आपको? आप एक बात ध्यान से सुनिए, यूथ है और भारत की आज जनसंख्या यूथ है, और अगर आप यूथ को ऐसे डिसअपॉइंट करोगे कि यूथ तनाव में जा रही है पूरी की पूरी कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, पूरे साल पढ़ाई हुई नहीं अच्छे से, आपको मेरी बात मजाक लग रही है सर? किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, जो बहुत हाई फाई स्कूल की नहीं कह रहा, नॉर्मल स्कूल में जाइए, RBSE के अंदर वही बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं होते। RBSE के बच्चों से पूछिए कि उनकी पढ़ाई हुई ही नहीं है पूरे साल, एक तो उनकी पढ़ाई नहीं होना और फिर बाद में आप ये एग्जाम डिले हो जाना, आप बोलना कि एग्जाम लेंगे बिल्कुल वैसे लेंगे ऐसे लेने वाले थे। तो माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार थोड़ा अच्छे से सोचिए, 10th वालों को प्रमोट कीजिए और 12th वालों को भी प्रमोट कीजिए, मैं तो कहूँगा सबको प्रमोट कीजिए, पर मैं ऐसे नहीं कह रहा उनको पास कर दीजिए डायरेक्ट, तो घड़े बराबर हो जाएंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनली मार्क्स के ऊपर जी ऐसा कुछ समाधान निकालिए कि बच्चों का फ्यूचर ही बर्बाद ना हो और उनको तनाव भी ना हो, उनको डिप्रेशन भी ना हो, इंटरनली मार्क्स कंडक्ट कीजिए आप, और आपको लगते थे आगे ऐसा कुछ होगा तो हर जगह एंट्रेंस एग्जाम करवाइए। आपको एक बात बता दूँ सर, अभी सब बच्चे हैं, अभी सब 12th है 10th के, पर आपको अभी इन बच्चों की फिक्र नहीं होगी, आपको बच्चों की फिक्र तब होगी जब 2024 में इलेक्शंस आएंगे, आपको तब बच्चों की फिक्र होगी जब आगे वाले इलेक्शंस में आपको वोट चाहिए होंगे। एक बात याद रखिए, अभी सब बच्चे हैं पर जब आने वाले नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे तब इन सबके पास वोटर आईडी कार्ड होगा सर, ये बात याद रखिएगा, और ये बच्चे तब डिसाइड करेंगे कि आपने इनके साथ अभी जैसा किया है तो आपको उनके साथ आगे कैसा करना है, इनको आपके साथ कैसा करना है तब डिसाइड करेंगे। तो बस सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे RBSE हो, चाहे कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो, सुप्रीम कोर्ट से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आप कम्युनिटी बनाने की बोल रहे हैं कि मिनिस्टर कम्युनिटी बनाएंगे और उसके अंतर्गत फैसले देंगे, तो उन कम्युनिटी से मैं गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के हित में रहकर कोई फैसला लीजिए, ऐसे नहीं कि आप पहले के जैसे एग्जाम लेंगे, बिल्कुल पहले जैसे पैटर्न एग्जाम होते हैं उस पैटर्न पर एग्जाम देकर बच्चों को तनावग्रस्त कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है सर आपसे, प्लीज़ कुछ ऐसा निर्णय लीजिए जो ना बच्चों के हित में भी हो और हर किसी के हित में हो, ऐसे नहीं कि आप बच्चों को डिप्रेशन डाल दीजिए, बच्चे आपके लिए आंकड़ा है, हम लोगों के लिए नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, मैं तरुण मेरा समाज सेवी, द यूट्यूबर फ्रॉम आर्ट टू एडिट्स।